गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बुक रेन ड्रॉप्स के हाइड एंड सीक चैप्टर को पढ़ेंगे, समझेंगे और साथ में उससे जुड़ी ही कुछ ओरल एक्टिविटीज़ भी करेंगे। चलो शुरू करते हैं और कुछ न्यू वर्ड्स सीखते हैं। फर्स्ट वर्ड इज हाइड, HIDE, हाइड। हाइड का अर्थ होता है छिपना। नेक्स्ट वर्ड इज सीक, SEEK, सीक। सीक का अर्थ होता है ढूंढना। नेक्स्ट न्यू वर्ड इज प्ले, PLAY, प्ले। प्ले का अर्थ होता है खेलना और बच्चों को खेलना अच्छा लगता है। नेक्स्ट न्यू वर्ड इज हंग्री, HUNGRY, हंग्री। हंग्री होता है भूखा। नेक्स्ट न्यू वर्ड इज बास्केट, BASKET, बास्केट। बास्केट होती है टोकरी जिसमें हम सामान डालकर रखते हैं या ले जाते हैं। और नेक्स्ट न्यू वर्ड इज पॉन्ड, POND, पॉन्ड। पॉन्ड होता है छोटा सा तालाब और तालाब में रहती हैं छोटी छोटी मछलियाँ। नेक्स्ट न्यू वर्ड इज गार्डन, GARDEN, गार्डन। गार्डन होता है बगीचा। बगीचे में खिलते हैं सुंदर सुंदर फूल और वहाँ लोग जाते हैं घूमने। नेक्स्ट न्यू वर्ड इज कैरेट, CARROT, कैरेट। कैरेट होती है गाजर और गाजर खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट न्यू वर्ड इज ग्रास, GRASS, ग्रास। ग्रास होती है घास जिसको हम काट कर पशुओं को खाने को डालते हैं। नेक्स्ट न्यू वर्ड इज टेल, TAIL, टेल। इस मंकी ने अपनी टेल पकड़ी हुई है, क्या पकड़ी है? पूंछ। नेक्स्ट न्यू वर्ड इज बार्क, BARK, बार्क। बार्क होता है भौंकना और कुत्ते घरों के बाहर क्या करते हैं? बार्क करते हैं, भौंकते हैं। नेक्स्ट न्यू वर्ड इज फ्लाइज, फ्लाइज होती हैं मक्खियाँ और ये घरों के आसपास गंदगी होने पर हमारे को ये दिखाई देती हैं, इसलिए हमें घर के आसपास सफाई रखनी चाहिए। चलो शुरू करते हैं पाठ को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी साथी एरियल और आज हम पढ़ेंगे बुक रेन ड्रॉप्स लेसन नंबर 9, हाइड एंड सीक। नाउ लेट्स रीड। मोती वांट्स टू प्ले। ही लुक्स फॉर रानी। I am hungry, says Rani. I want to eat. Jimmy and Rimi are sleeping in the basket. Moti wakes them up. Come out and play with me, he barks. Not now, says Jimmy. I am tired. I am sleepy, says Rimi. Moti goes outside. He sees Happy in her pond in the garden. Will you come and play with me? He asks. But Happy says, No, I am looking for flies. Moti sees Bunny and stops. Will you play with me? He asks. Bunny looks at him. Hello, Moti, he says. I am eating a carrot, so I can't come and play with you. Moti is sad. He lies down on the grass. Then he gets up again. He walks around the garden. Moti finds a basket. He turns it upside down and hides under it. Rani, Jimmy, Rimi,
Happy and Bunny search for Moti, but they can't find him. Happy hops near the basket. He stamps Moti's tail. Moti barks aloud. Everyone knows where he is. Then they chase him round and round the garden. Bye-bye. Thank you. Keep learning, keep growing. Hello, मैं हूँ Ariel. आज हम hide and seek part को पढ़ेंगे और समझेंगे. चलो शुरू करते हैं. Moti wants to play. Moti खेलना चाहता है. He looks for Rani. वह रानी को ढूंढता है. I am hungry, says Rani. I want to eat. रानी कहती है, मैं भूखी हूँ, मुझे कुछ खाना है. Jimmy and Remy are sleeping in the basket. Jimmy और Remy टोकरी में सो रहे हैं. Moti wakes them up. Moti उन्हें जगाता है. Come out and play with me, he barks. Moti उन्हें अपने साथ खेलने के लिए बुलाता है. Not now, says Jimmy. I am tired. Jimmy कहता है, अभी नहीं, मैं थक गया हूँ. I am sleepy, says Remy. Remy कहती है, मुझे नींद आ रही है. Moti goes outside. Moti वहाँ से बाहर चले जाता है. He sees Happy in her pond in the garden. Moti Happy को तालाब में देखता है. Will you come and play with me? He asks. Moti Happy को अपने साथ खेलने के लिए बुलाता है. But Happy says, no, I am looking for flies. Happy भी मना कर देता है क्योंकि वह खाने के लिए flies ढूंढ रहा है. Moti sees Bunny and stops. मोती ने बनी को देखा और वे रुक गया. Will you play with me? He asks. क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? मोती बनी से पूछता है. बनी looks at him. Hello, Moti. He says, I am eating a carrot, so I can't come and play with you. बनी मोती को हेलो कहता है और कहता है, मैं गाजर खा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता. Moti is sad. He lies down on the grass. Moti उदास होकर घास पे लेट जाता है. Then he gets up again. He walks around the garden. वह फिर उठकर बागीचे में इधर उधर घूमता है. Moti finds a basket. Moti को एक टोकरी मिलती है. He turns it upside down and hides under it. वे टोकरी को उल्टा करकर उसके नीचे छुप जाता है. रानी, जिमी, रिमी, हैप्पी एंड बनी सर्च फॉर मोती, बट दे कांट फाइंड हिम. वे सब मिलकर मोती को ढूंढते हैं पर मोती उन्हें कहीं नहीं मिलता. हैप्पी hops near the basket. He stamps Moti's tail. Happy Moti ki tokri ke paas kudta hai aur uski poonch ko daba deta hai. Moti barks aloud. Everyone knows where he is. Moti zor se bhaunkta hai aur sabko pata lag jata hai Moti kahan hai. Then they chase him round and round the garden. सब मिलकर मोती का बागीचे में पीछा करते हैं. बाय बाय. थैंक यू. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. अभी तक बच्चों आपने कहानी को पढ़ा भी और देखा भी. चलो एक ओरल एक्टिविटी करते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरल ड्रिल. नीचे दिए प्रश्नों के आपने उत्तर देने हैं, वो भी मौखिक. क्वेश्चन वन, इज मोती अ कैट और अ डॉग? मोती बिल्ली है या कुत्ता? हाँ जी, आपका उत्तर सही है, मोती इज अ डॉग. क्वेश्चन टू, व्हाट डज मोती वांट टू डू? मोती कहानी में क्या करना चाहता था? राइट, मोती वांट्स टू प्ले. जैसा कि बच्चों आपने कहानी को देखा भी और पढ़ा भी, आशा करते हैं आपको कहानी बहुत अच्छी लगी होगी. हम मिलेंगे ने
नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।